खबरों की ओर। बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत बेनीडी स्लाइडिंग में सीआईएसएफ और कथित कोयला चोरों के बीच 19 नवंबर 2022 को रात में झड़प हुई और सीआईएसएफ बल के गोलियों से 4 कोयला चोरों की मौत हो गई है। इस मामले में एक तरफ जहां सीआईएसएफ बल का दावा था कि मरने वाला कोयला चोर ही है, वहीं मृतकों के परिजनों का यह कहना था कि सभी निर्दोष की जान गई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा धनबाद डीसी सहित संबंधित विभाग को लिखित आवेदन देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए फायरिंग करने वाले दोषी सीआईएसएफ जवानों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए धनबाद डीसी के आदेश पर जांच जारी की गई है। आज लगभग 8 महीने बाद भी यह जांच चल रही है। आज इसी जांच के तहत धनबाद लॉ एंड ऑर्डर एडीएम के गुप्ता उन मृतकों के घर पहुंचे, मृतक के परिजनों से बात की और कई बिंदुओं पर पूछताछ की। साथ ही कहा कि आज के जांच रिपोर्ट को जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। नवंबर को जो घटना घटी थी बेनीडी साइडिंग में, उपायुक्त महोदय के निर्देश आलोक में जांच जिला स्तरीय जा रही है। उसमें वर्तमान में जो स्थल का मुआयना किया गया, पूर्व में भी अधिकारी, वरीय अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी का मुआयना ये है। स्थल देखा गया, स्थल आसपास के क्षेत्र देखा गया और जो उसमें घटना में जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिजनों से मिला गया, उनसे तो पूछा गया कि भाई कब जानकारी आपको भी कैसे हुई, इनसे पूछा गया। उनको तो स्पष्ट पता नहीं है क्योंकि वो नहीं थे, उनको तो सुबह जानकारी हुई कि सब लोग बताए कि सुबह उनको अपने पति के, अपने भाई या अपने पुत्र की मैंने मृत्यु के संबंध में जानकारी हुई। स्पष्ट अभी तो इसका एफआईआर भी हुआ है थाना में सीआईएसएफ की तरफ से और मृतक की तरफ से भी, मृतक के परिजन की तरफ से अनुसंधान कार्य चल रहा है। क्यों गोलीकांड नहीं इस तारीख 11 महीना 2022 को जो रात्रि घटना हुई थी उस टाइम का वही विरोध, मतलब वही बात के लिए यहाँ पे एसडीएम सर आए हुए थे और इसमें सिर्फ जांच पड़ताल ही सिर्फ हो पा रही है। और 8 महीना मेरा ये कांड हुआ हो चुका है, मेरा हस्बैंड डेट किया हुआ 8 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक लोग कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है इसमें। तो हमको इंसाफ दिलाने का आप लोग कोशिश करवाइए, इससे भी कुछ नहीं, हमको ऐसा कुछ तो अभी तक हुआ नहीं है। अभी तो सिर्फ 1-2 बार सिर्फ जांच पे जांच किया जा रहा है और अभी तक केस को कोई स्टैंड भी नहीं दिया गया है ना अभी तक आगे कुछ मांग। यही करते या तो हमको नौकरी दिया जाए या फिर मेरा बाल बच्चा को पूरा भरण पोषण करने के लिए इतना मुआवजा दिया जाए कि ताकि मेरा बाल